हिस्टोरिकल मिरर्स के अंदर दोनों आ जाएंगे आपके, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो इमेज कैसी बनाएंगे, किस प्रकार की बनाएंगे, वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर को आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो कहाँ कहाँ इमेज बना सकता है, कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो किस जगह रखेंगे और किस जगह इमेज बनेगी। उसके लिए आपको पहले जो रेस होती है लाइट रेस, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या पाथ फॉलो करती है, उसके लिए आपको कुछ रूल्स है जो पहले पढ़ने पड़ेंगे आपको, ताकि आप उसकी लाइनिंग बना सकें। तो आप पहले टेबल भी पढ़ सकते हैं, पहले टेबल देख लें, टेबल बुक खोलो 164 पेज नंबर पे आपको एक टेबल दे रखी है। यह है इमेज फर्स्ट आपका कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज किस प्रकार की बनेगी, तो उसके अंदर जो टेबल है उसके अंदर आपको चार हेडिंग दे रखी है। फर्स्ट आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड साइज ऑफ इमेज और फोर्थ है नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप कॉन्केव मिरर लेंगे, उसके सामने प्रिंसिपल एक्सिस पे किस प्लेस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उस प्लेस के नेम आएंगे। पोजीशन ऑफ द इमेज में जब आपने ऑब्जेक्ट रखा तो किस पोजीशन पे, प्रिंसिपल एक्सिस के किस पोजीशन पर इमेज बनेगी, उसका पॉइंट है। साइज मतलब ऑब्जेक्ट की साइज को, इमेज की साइज में ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी हो गई है, बड़ी हो गई है या इक्वल साइज की रही है, वो इमेज है साइज की। और नेचर ऑफ द इमेज का मतलब होता है उसकी साइज किस प्रकार की है, वो रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, यह आपका नेचर बताता है कि मतलब इमेज रियल इमेज होगी या वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। तो इसको आप केवल सिंपल कॉन्केव मिरर को, यहाँ पे आपको एक बार टेबल बना देते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड है पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड है आपका साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या होगी और नेचर ऑफ इमेज। ये टेबल आपको मुंह पे याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपको याद करनी पड़ेगी। पॉइंट जितने हो सकते हैं वो एक, 6 पॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट की हो सकती है। और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप इजी में बता भी सकते हैं, जो टर्मिनोलॉजी कल तुमको बताई थी वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे काम आएगी। और टर्मिनोलॉजी के आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पोजीशन क्या होगी। ये अगर आपका कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये आपका पी है और ये आपका एफ प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो फर्स्ट है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सीरियल नंबर, पोजीशन, साइज और नेचर। ठीक है ना। तो आपको उस फिगर पे और उन टर्मिनोलॉजी से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या आ सकती है ना। तो उसके आधार पे आप निर्धारित कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो फर्स्ट जो पोजीशन है, स्टार्ट इस तरफ से करनी है, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ऐसे ले जाना है फ्रंट से उस तरफ। तो फर्स्ट पोजीशन आएगी इंफिनिटी, जहां पे आपको डिफाइंड नहीं हो कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, बहुत ज्यादा दूर हो सकता है, तो वो जो पोजीशन होगी उसको आप कहेंगे इंफिनिटी। इन्फिनिटी से थोड़ा पास चलेंगे तो सी से पहले इसको कहेंगे बियॉन्ड सी, फिर पोजीशन क्या आ जाएगी सी, फिर पोजीशन क्या आ जाएगी सी और एफ के मध्य, बिटवीन सी एंड एफ, फिर पोजीशन आ जाएगी एफ और फिर पोजीशन आ जाएगी पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। पोजीशन समझ में आ गई, पोजीशन एक बार और देख लो। आपको लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में जाना है,
लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में जाना है तो आपको पोजीशन सारी याद रहेगी, कौन सी पोजीशन किस प्रकार की होगी, है ना। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट आप रखेंगे वो है इनफाइनाइट दूरी पे, डिस्टेंस क्लियर नहीं है, निर्धारित नहीं है, तो उसको आप मानेंगे इंफिनिटी। क्या मानेंगे? इंफिनिटी। तो फर्स्ट पोजिशन हो गई आपकी एट इंफिनिटी, पहले आप पोजिशन लिख लेते हैं। सेकंड, फिर सी से पहले, तो इसको क्या लिखेंगे? बियॉन्ड सी, ठीक है। फिर और आगे चलो तो बियॉन्ड सी से कहां पे आ जाएगा? सी, तो एट सी। थर्ड पोजिशन क्या आ जाएगी? एट सी, ये आपकी थर्ड पोजिशन आ गई। ठीक है, सी के बाद आप आगे चलेंगे तो सी से जस्ट आगे आएंगे तो ये बिटवीन सी एंड एफ, तो अगली पोजीशन आ जाएगी ऑब्जेक्ट की बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के मध्य, ये आपकी अगली पोजीशन है। फिर और आगे चलेंगे तो सी और एफ से कहाँ जाएगा? एट एफ, एफ के ऊपर, तो एट एफ आर फोकस, फोकस के ऊपर या एट एफ पर आप ऑब्जेक्ट को रखें। फिर और आगे चलेंगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या आ जाएगी? बिटवीन पी एंड एफ, तो अगली पोजीशन है आपकी बिटवीन पी एंड एफ, ये आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। समझ में आ गया? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट करना है, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, पी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ, ये आपका ऑब्जेक्ट का प्लेस है। पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी वो यहाँ पे फिक्स है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। पोजीशन आप आपका ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो जो पोजीशन है इमेज की वो इस तरफ से इस तरफ मूव करेगी, एक कंडीशन को छोड़ के, है ना। तो ऑब्जेक्ट उधर मूव कराएंगे, पोजीशन इस तरफ मूव करेगी। तो जब आपने इंफिनिटी पे रखा तो इमेज बनेगी एट एफ, एफ पर बनेगी। फर्स्ट पॉइंट जो आएगा इधर से राइट हैंड साइड से वो कौन सा आएगा? एफ। तो फर्स्ट पॉइंट एफ से स्टार्ट होगा और एफ से, तो एट इंफिनिटी, तो कहाँ बनेगा? एफ पर, ठीक है। फिर बियॉन्ड सी, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को सी से पहले रखा है तो इमेज इस एफ के बाद का आएगा, इन दोनों के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर आप पीछे रखते हैं सी के तो इमेज उसके आगे बनेगी। भले तुम ऐसा समझो या यूं समझो, इसके बाद इधर अगर आप मूव करते हैं तो एफ के बाद पॉइंट क्या आएगा? बिटवीन एफ एंड सी, ऐसा भी समझ सकते हैं, कैसे भी समझो तुम। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप सी के पीछे रखेंगे तो इमेज फ्रंट में बनेगी, मतलब सी के आगे बनेगी। सी के आगे का मतलब बिटवीन सी एंड एफ, ये पोजीशन है इमेज की, यहाँ पे पोजीशन बनेगी इमेज की। और अगर आप सी पे रखते हैं तो इसके बाद एफ और इनके बाद पोजीशन क्या आएगी? सी, तो सी की सी पी, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? एफ सी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी सी और पोजीशन ऑफ इमेज भी सी, ठीक है। फिर अगर आप बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ लाते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट सी से आगे चला गया है तो इमेज पीछे बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। उल्टा, बियॉन्ड सी अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फ्रंट में बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, पर ऑब्जेक्ट को अगर आप सी और एफ के मध्य रख देते हैं तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। तो ये आपकी इमेज आएगी बियॉन्ड सी, सी से पहले बियॉन्ड सी बन जाएगी, ठीक है। अब आप और आगे ले जा रहे हैं तो कहाँ आ गया? फोकस पे, तो इन्फिनिटी वाली फोकस पे बन रही है तो फोकस पे आप रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, एट इंफिनिटी, मतलब फोकस पे आपने रखा इंफिनिटी पे बनेगी। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, फोकस पे बनेगा। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाते हैं बिटवीन पी एंड एफ तो अब इधर नहीं बनेगी, अब बिहाइंड द मिरर बनेगी और ये पी और एफ है इसके बीच में बनेगी, पर इरेक्ट बनेगी, ठीक है ना। तो बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर और बिटवीन पी एंड एफ, ये इसकी पोजीशन होगी। बिटवीन पी एंड एफ रखोगे तो बिटवीन पी एंड एफ ही बनेगी, है ना। तो बिटवीन पी एफ को रखा, पर रखा था ऑब्जेक्ट को फ्रंट में, और बिटवीन पी और एफ ही आपकी इमेज बन रही है, पर कहा? बिहाइंड द मिरर। तो
यहाँ पे इमेज जो बनेगी बिहाइंड द मिरर, एंड बिटवीन पी एंड एफ, ये आपकी इमेज की पोजीशन होगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन आपको बिल्कुल समझ सकते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे अगर आप तो आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी, और राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो आपकी पोजीशन ऑफ इमेज आएगी। और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, फोकस पॉइंट से, और एट लास्ट जो है पी और एफ वाला, तो पी और एफ वाला किसी इधर नहीं है राइट हैंड साइड में, तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और बिटवीन पी एंड एफ बनेगी। ये आपका ऑब्जेक्ट की पोजिशन और ये आपकी पोजिशन ऑफ इमेज। अब आ जाते हैं अपन साइज पे, तो देखो यहाँ पे साइज जो है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती जाती है, द साइज ऑफ एन इमेज इंक्रीजेस एज वी मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे वैसे वैसे उसकी इमेज की साइज इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सी पे रहेगी बिल्कुल इक्वल, इधर तो रहेगी इमेज की साइज स्मॉल जब ऑब्जेक्ट इधर है, इधर रहेगी लार्ज और इधर सी पे रहेगी इक्वल, ये इसका रेशियो है। ऑब्जेक्ट का जब भी आपने ऑब्जेक्ट को सी से पहले रखा है तो इमेज की साइज सदैव ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल हो जाएगी, और जैसे आप ऑब्जेक्ट को सी से आगे मूव करवाएंगे इमेज की साइज छोटी होती जाएगी, है ना, बड़ी होती जाएगी, है ना। तो सी से आगे अगर आप ऑब्जेक्ट को खिसकाते हैं तो इमेज की जो साइज है वो बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एट एफ तो बिल्कुल अब साइज भी कैसे है, यहाँ से सी से जब यहाँ से आपकी तीन पोजिशन है इंफिनिटी बियॉन्ड सी, इन दोनों पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ी सी फर्स्ट वाली बहुत छोटी होगी, थोड़ी अगली वाली थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होगी, छोटी तो होगी। तो यहाँ जो साइज आएगी वो आएगी पॉइंट साइज, ये एफ जो है ना ये पॉइंट ही है, ये रहा एक पॉइंट सिंगल, तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, जनरली उसकी लेंथ ऑफ ब्रीथ आप मेजर नहीं करते तो पॉइंट साइज बनेगी, ठीक है। इसको हाईली डिमिनिज्ड भी कहते हैं, हाईली डिमिनिज्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटी, छोटी नहीं बहुत ज्यादा छोटी, तो पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, हाईली डिमिनिज्ड भी कह सकते हैं दोनों। और अगली जो बनेगी वो बनेगी डिमिनिज्ड, मतलब छोटी तो है पर इतनी ज्यादा छोटी नहीं है, इसका मतलब यहाँ जो साइज बनेगी उससे थोड़ी बड़ी बनेगी, क्या आएगी डिमिनिज्ड। सी पे तुमको बताया सी पे साइज क्या हो जाएगी इक्वल, तो ये तो बढ़ गई, और यहाँ पे आकर बियॉन्ड सी में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये आपका आएगा एनलार्ज, है ना, एनलार्ज का मतलब होता है लार्ज स्मॉल, थोड़ी सी बड़ी कर ली, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा कर देना, और यहाँ पे आएगा हाईली एनलार्ज। अब साइज बढ़ रही है तो यहाँ पे जब आप बिटवीन सी और एफ रखोगे तो साइज बड़ी आएगी, एफ पे रखोगे तो बहुत बड़ी आएगी, हाईली एनलार्ज मतलब इंफिनिटी पे बनेगी, और इंफिनिटी पे जो इमेज बनेगी उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होगी। फिर यहाँ पे बिटवीन पी और एफ रखोगे तब भी एनलार्ज आएगी, मतलब बड़ी ही बनेगी, साइज छोटी नहीं बनेगी। तो साइज का समझ में आ गया, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको याद हो जाएगी, इमेज की पोजीशन याद हो जाएगी, साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन इन द टेबल, और नेचर ऑफ जो साइज है वो सब के अंदर सेम है, रियल और इन्वर्टेड एक्सेप्ट वन पोजिशन, यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड है, यहाँ पे भी रियल और इन्वर्टेड है, यहाँ पे भी रियल और इन्वर्टेड है, और एक लास्ट पोजीशन है जब आपको ऑब्जेक्ट को पी और एफ के मध्य रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। इस टेबल को आपको मुंह पे याद रखना पड़ेगा, ये टेबल आपके लिए न्यूमरिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इस टेबल के बिना आप न्यूमरिकल जो है वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इस टेबल के बिना आप इनके जितने भी फिगर है वो नहीं बना पाएंगे, और इस टेबल के बिना आपका ये लेसन बिल्कुल अधूरा है। टेबल आपको बिल्कुल मुंह पे याद होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी आगे आगे अपन इसके फिगर्स देखेंगे, तो फिगर्स के लिए भी जरूरी है कि आपको टेबल बिल्कुल मुंह पे याद हो, नहीं हो तो बिल्कुल इसको याद कर लेना, है ना, एक बार और इसको देख सकते हैं। तो पोजिशन आपको राइट साइड में इंक्रीज करनी है तो एट इन्फिनिटी बियॉन्ड सी, सी बिटवीन सी एंड एफ, एफ और बिटवीन पी एंड एफ,
इमेज जो है उधर से लेनी है, ऐप पर आएगी, सी और ऐप के बीच में आएगा, सी जॉइंट सी इंफिनिटी और बिहाइंड द मिरर सी और एफ, फिर साइज जो है इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में मूव करता जाएगा, पहली पॉइंट साइज आएगी, फिर डिमिनिश आएगी, फिर इक्वल आएगी, एनलार्ज आएगी, हाईली एनलार्ज आएगी और एनलार्ज आएगी, और एक पोजिशन को छोड़ते हुए बाकी की सारी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है और एक ही इमेज केवल वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो इस मिरर की एक विशेषता है कि ये ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा कर सकता है, ऑब्जेक्ट की साइज को मतलब इमेज की साइज को, ऑब्जेक्ट तो इक्वल रहेगा, इमेज की साइज को ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी कर सकता है, इमेज की साइज को तो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल रख सकता है और इमेज की साइज को ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा भी कर सकता है। तो ये सिंगल मिरर जो कॉनकेव मिरर है वो ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा, इमेज जो बनेगी उस इमेज की साइज को बड़ा, छोटा और इक्वल तीनों कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, इसकी पूरी आपकी टेबल कंफर्म हो गई। फिर फिगर अपन बाद में देखेंगे, पहले आप कॉन्वेक्स मिरर की टेबल पे आ जाओ। कॉनकेव मिरर की टेबल आपको कंफर्म हो गया, नेक्स्ट जो टॉप टेबल है वो आपकी कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको टेबल के अंदर केवल दो पोजीशन मिलेगी और दो पोजीशन के अलावा तीसरी पोजीशन इसके अंदर नहीं है, क्योंकि तो इमेज जो बनती है वो सेम बनती है। इसके अंदर पॉइंट होते वही है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज कहाँ बनेगी, है ना। तो इसके अंदर केवल दो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट को अगर आप इंफिनिटी पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं इंफिनिटी पे, तो आपका इमेज ऐप पर बनेगी, वो की वही पॉइंट साइज बनेगी, बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, और यहाँ जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ये पहली पोजीशन है, अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो आपकी इमेज फोकस पे बनेगी, साइज पॉइंट साइज होगी और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। तो इंफिनिटी एफ पॉइंट साइज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहीं पे भी हो सकती है, इंफिनिटी को छोड़कर अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेस पे रखते हैं, बिटवीन सी सी बिटवीन सी एंड एफ, एफ एंड बिटवीन सी एंड एफ, मर्जी है जहां रखें, कोई भी पोजीशन सिवाय इंफिनिटी के, तो पूरी एट ऑल पोजीशन है ना, सारी पोजीशन जो आपने देखी उन सारी पोजीशंस पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और इमेज जो बनेगी वो पी एंड एफ के मध्य ही बनेगी, पी और एफ के मध्य ही बनेगी, भले आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखें, है ना, बिटवीन सी रखें, सी पे रखें, पी और एफ के मध्य रखें, एफ पर रखें या पी और एफ के मध्य रखें, मध्य या जहाँ रखें, आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज तो सदैव बिहाइंड द मिरर बनेगी और बिटवीन द पी एंड एफ बनेगी, यहाँ पे सभी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये तुमको पहले भी बताया, क्योंकि ये एक्चुअल मीट होती नहीं है और यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, तो वहां पे आपको अपीयर्स टू मीट होगी, तो यहाँ पे सारी इमेज बिहाइंड बनेगी, यहाँ पे भी बिहाइंड द फोकस का है, बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर ये मिरर है, फ्रंट साइड आपकी है और बिहाइंड द मिरर पीछे पीछे की तरफ बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी और पी और एफ के मध्य की बनेगी। साइज डिमिनिश भी होती है, छोटी ही रहेगी, है ना, और वो का वही वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी। तो केवल दो पोजीशन है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इंफिनिटी बिहाइंड द मिरर एट ऑफ एफ पॉइंट साइज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट एट ऑल पोजीशन अदर देन इंफिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, साइज इज डिमिनिश एंड द नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट और इनके सारे मीनिंग्स मैं तुमको बता चुका हूँ, वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है। वर्चुअल द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन एंड वेयर द टू रेज कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट विथ ईच अदर, है ना, बट अपियर्स टू मीट विल फॉर्म ए रियल इमेज, और रियल इमेज सदैव इरेक्ट होती है ए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज सदैव इरेक्ट होगी और रियल इमेज सदैव इन्वर्टेड होती है।
रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये जो चार लाइनें बनेगी यहाँ पे आपकी फोर लाइन बना सकते हैं आप। चार सारे रे डायग्राम्स में जो रेस बनेगी वो केवल चार तरह की बनेगी। उन चार रेस को आपको कॉनकेव के अंदर भी आना चाहिए और कॉन्वेक्स के अंदर भी आपको ये आना चाहिए कि वो किस प्रकार की रेस बनेगी। तो जितनी भी रेस यहाँ पे बनती है उन सभी रेस को आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए ये रे किस प्रकार से बनती है। सर आपकी आवाज नंबर एक 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 मिनट हाँ, रूल्स जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको बिल्कुल कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए बिल्कुल याद होने चाहिए। इसके लिए फाइव रेज बनेगी है ना। फाइव रेज किस प्रकार से बनेगी, जैसे आप फर्स्ट बार में ले लें कॉनकेव के लिए और सेकंड बार में कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए आपको याद होने चाहिए। कॉनकेव के लिए आपका डायग्राम ये ऐसा होगा, मैं छोटे छोटे डायग्राम बनाऊंगा और तुमको इसी से बता देंगे। तीन चार और ये पांच, इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है सबके लिए। प्रिंसिपल एक्सिस को और इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सारे डायग्राम तुमको बता चुके हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पी क्या होता है, एफ क्या होता है ना। ये सभी ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। इसके अंदर पॉलीज इस साइड में होगी तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। और इसके लिए आपकी पॉलीज इस साइड में होगी और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो रे डायग्राम के हिसाब से आपको किस प्रकार की लाइंस बनानी है, वो लाइंस आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। फर्स्ट लाइन जो है, अगर कोई लाइट रेस पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट ऑफ, देन इट विल पास थ्रू ए फोकस पॉइंट। ये आपका फर्स्ट रूल है। यही लाइन बनेगी जो आप रे डायग्राम बाद में देखेंगे उनके अंदर कंफर्म यही लाइनें बनेगी। इसके अलावा तीसरी, इसके अलावा दूसरी लाइन आप नहीं बना सकते। तो पहला रूल यह है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई लाइट रेस पैरेलल आती है तो वो आपका रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के एफ से टच होते हुए निकलेगी। इट मीन्स द रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। तो पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कहां से काटेगी, एफ से। कॉन्वेक्स के लिए देखो सेम है, अगर लाइट रेस पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ट हो जाएगी और वो अपीयर्स टू कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट एफ। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे एक्चुअली लाइट रेस फोकस को कट करती है और यहाँ पे अपीयर्स टू मीट, यहाँ अपीयर्स टू कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट एफ, इसीलिए इसकी इमेज रियल और उसकी इमेज वर्चुअल आएगी। सेकंड रे जो है वो बनेगी इसकी उल्टी, अगर आप एफ से लाते हैं किसी रेस को तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। इट मीन्स ये आपका एफ पॉइंट है, अगर आप एफ पॉइंट को कट करते हुए कोई लाइट रेस गिरती है ना, लाइट रेस कमिंग फ्रॉम एफ, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसी का उल्टा है। पैरेलल आएगी तो एफ से जाएगी और एफ से अगर आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी सेम है पर आपका सी इस बार किधर है, बियॉन्ड द मिरर है। एफ भी बियॉन्ड द मिरर है और सी भी बियॉन्ड द मिरर है, ये आपका एफ है। तो एफ से अगर वो आती हुई दिखती है आपको तो वो पैरेलल हो जाएगी, मतलब वो लाइन ऐसे बनेगी। ये कहाँ से आती हुई दिख रही है, एफ से आपको आती हुई
बिक्री है, ठीक है ना, तो ये एफ से आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी ये एल। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, तो लाइट रे दोनों के लिए देख लो, एफ से अगर आती है और मिरर पे स्ट्राइक होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इज बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेम टू सेम कॉन्वेक्स के लिए है, अगर वो एफ से आती हुई प्रतीत होती है, इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द एफ, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपकी फर्स्ट रे हो गई दोनों में, ये आपकी सेकंड रे हो गई दोनों में, थर्ड रे जो है वो आएगी, थर्ड रे कहाँ से आएगी, सी टू सी। इसका मतलब है कि अगर लाइट रे यहाँ पे इसका एफ और सी किधर है, फ्रंट साइड में, ये लेसन पूरा का पूरा इंटर रिलेटेड है, तो अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। एफ सी ये क्या होता है सब पहले बता चुके हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे एफ और सी कहाँ आएगा, यहाँ पे, हाँ, नेक्स्ट रे जो थी सी टू सी, ये है सी टू सी। अगर आपका ऑब्जेक्ट ये रेस अगर सी से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी सी से ही जाएगी, इट मीन्स ये रेस है सी से आई है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सी से ही जाएगी, मतलब जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी, मिरर के ऊपर गिरेगी किस रूट से, सी से, सी से होते हुए मिरर के ऊपर गिरेगी और मिरर से जब रिफ्लेक्ट होगी तो वापस उसी सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मीन्स सी टू सी, तो आएगी भी सी से और रिफ्लेक्ट भी सी से होगी, ठीक है। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसमें वो अपियर्स टू कम फ्रॉम सी एंड रिटर्न टू सी, यहाँ पे अपियर्स होगी ऐसा, इसको आप बढ़ा दें सी तक, है ना, और मतलब ये लाइट रेस आ भी सी से रही है और वापस रिटर्न भी सी से हो जाएगी। तो ये दोनों के लिए थर्ड फिगर है आपका, थर्ड लॉ, अगर लाइट रेस सी से आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सी से ही जाएगी, वैसा का वैसा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है, अगर वो सी से आती है तो सी की सी से ही रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट जो है अगला पोल, इफ द लाइट रेज स्ट्राइक ऑन द पोल देन इट विल रिटर्न फ्रॉम द पोल, तो अगर ये पोल के ऊपर स्ट्राइक करती है तो पोल से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, तो पोल के ऊपर अगर स्ट्राइक करती है तो जितने एंगल से पोल के ऊपर स्ट्राइक करती है उतने के उतने एंगल से वापस ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये फिगर इस प्रकार से बनेंगे, जो लाइट रेस है आपका कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्वेक्स मिरर और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पोल दोनों के लिए, ठीक है। जितने एंगल से लाइट रेस पोल के ऊपर स्ट्राइक करेगी उतने ही एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ये जितने एंगल से पोल के ऊपर स्ट्राइक करती है उतने ही एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी दोनों के लिए, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। ये दोनों है, ठीक है, ये आपके रे डायग्राम्स के रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि रे डायग्राम्स बनाते कैसे हैं। तो रे डायग्राम्स के लिए वापस देख लो एक बार, समराइज कर देते हैं वापस एक बार, इफ द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द एफ, दोनों के लिए सेम है ना, यहाँ पे एक्चुअली पास होती है और यहाँ पे अपियर्स होती है, बस इतना सा अंतर रहेगा। फिर अगर एफ से आती है और
मिरर पर स्ट्राइक होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड है इफ द लाइट रेज स्ट्राइक द मिरर फ्रॉम सी देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ थ्रू सी. तो वो सी पे ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी और सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट होगी. बट इफ ए लाइट रेज स्ट्राइक्स ऑन द पोल देन इट विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल फ्रॉम पोल. जितने एंगल पे ये पोल पे स्ट्राइक होती है उतने ही एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी दोनों के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए. इन लाइट रेज के आधार पे आपको सारे रे डायग्राम्स बनाने हैं. वो रे डायग्राम्स अपन ले लेते हैं. फर्स्ट आप रे डायग्राम्स लेंगे कॉनकेव मिरर के लिए. सर रे डायग्राम नेक्स्ट है आपके रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर. आपको पोजीशन वो की वही लेनी है उसके आधार पे आपको रे डायग्राम्स बनाने हैं. जो पोजीशन आपने पहले ली वो पोजीशन पकड़ते जाओ कि आपको फर्स्ट कहां पे रखना है एट इंफिनिटी. तो फर्स्ट डायग्राम जो बनेगा वो ये बनेगा कि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बननी चाहिए एप पर. तो फर्स्ट डायग्राम जो आपका बनेगा ऑब्जेक्ट कहां पर है इंफिनिटी पे तो आपकी इमेज कहां बनेगी एट एफ है ना. तो इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो फिगर है आपका वो फर्स्ट फिगर ये आपका कॉनकेव मिरर ये प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये आपका ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे है ना. और ये पॉइंट आपका एफ और इसका इक्वल पार्ट सी. ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी की उतनी डिस्टेंस आगे भी आपको रखनी है ना. तो इसके अंदर जो लाइट रेस यूज होगी जो रूल यूज होगा वो केवल ये यूज होगा. दोनों लाइट रेस यही बनेगी पैरेलल टू एफ सेकंड भी पैरेलल टू एफ. अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इमेज के अंदर आप कौन सी रेस को यूज कर रहे हैं क्योंकि जिन रेस को आप यूज करेंगे उनको अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपको रे डायग्राम्स में दिक्कत आएगी कि कौन सी इमेज है और कौन सी नहीं है. ठीक है ना. तो बिल्कुल आपको ये याद रखना पड़ेगा. तो फर्स्ट इमेज जो बने फर्स्ट जो यहाँ पे रेस यूज होगी वो होगी आपकी पैरेलल पैरेलल टू एफ. ये गई रे डायग्राम्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. पैरेलल के बाद कहां से जानी चाहिए एफ से. ये फर्स्ट लाइन है आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ से जाएगी. सेकंड वो की वही यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द इट विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट एफ. ये आपका फर्स्ट फिगर बन गया. दोनों रेस ये है दोनों रेस एक ही प्रकार की यूज की गई है जो दोनों ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लाइट जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगी जो आपका एफ है. तो दोनों तरफ से आपको रेस निकालनी है जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के और दोनों कट कहां करेगी एफ पर. ये आपका फर्स्ट फिगर हो गया. सेकंड फिगर देखो आपको ऑब्जेक्ट रखना है बियॉन्ड द सी. अब सेकंड पोजीशन आ जाएगी ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी और इमेज आपकी बनेगी बिटवीन सी एंड एफ है ना. यहाँ पे कौन सी साइज बननी थी पॉइंट साइज. पॉइंट साइज की साइज बनेगी और यहां जो बनेगी तो ये जो साइज आपकी आई वो कौन सी आई पॉइंट साइज. आपको इनके साथ पूरा इसका वर्णन लिखना पड़ेगा. साइज इज पॉइंट साइज नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. रियल इन्वर्टेड है पॉइंट साइज है एफ पे बन रही है ये आपकी टेबल से आ जाएगी. तो अब आप लोगे बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को तो सी और एफ के मध्य आपका ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी और इसके लिए आपकी जो रेस यूज होगी वो दो है पैरेलल टू एफ और सी टू सी. ये फर्स्ट एंड थर्ड इसके अंदर यूज होगी है ना. तो ये आपका कॉनकेव
मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं बियॉइड सी, तो जो फर्स्ट लाइन आएगी वो आएगी पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इट विल कट द रेस एट फोकस। कहां से कट करेगी ये? फोकस से। अब ये दोनों जो ये दूरी है इसके बराबर की यहाँ पे एक और दूरी लेनी पड़ेगी आपको सी, ये आपका सी, और आपकी सेकंड लाइन आएगी ऐसे सी टू सी। और जहां पे दोनों रेस कट करती है वहां पे आपका इमेज बनेगी जो छोटी बनेगी। सर ये वापस से बताओ ना। दो मिनट बताते हैं। जरा इधर आओ, तुम जमुरो दोनों। सर ब्लड दिख रहा है। हाँ ब्लड दिख रहा है तेरे को। समझ में आ रहा है? तो इस फिगर के लिए आपको ये जरूरी है कि ये डिस्टेंस P और F के बीच की डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को आप इक्वल रखें, है ना? तो दोनों इक्वल आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि F तो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए, यहाँ आ जाए और आपका C बिल्कुल इसके पास आ जाए और बीच में कट ही नहीं हो रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो आपका फिगर कट जाएगा, गलत है वो बिल्कुल। तो B और C रखेंगे, इसमें जो लाइट रेस यूज की गई है वो आपकी फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाती है तो F उससे चली जाएगी, और अगर वो सी से जाती है तो सी से ही रिटर्न होगी। इसी लाइट रेस को आपने यूज किया, फर्स्ट लाइट रेस ये है आपकी, है ना? इसके अंदर दोनों फर्स्ट लाइट रेस ही यूज हुई थी, फर्स्ट रूल ही। इसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये कहां से जाएगी? एफ से निकल जाएगी, और दूसरा है सी से गई और सी से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट के ऊपर आपकी इमेज बनेगी, पर उल्टी बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी? उल्टी, उल्टी इमेज बनेगी यहाँ पे, दैट इज रियल एंड इनवर्टेड, और उल्टी इमेज बनेगी आपकी, ठीक है ना? तो ये आपका फिगर है। थर्ड फिगर जो है वो आपका, अब आपको कहाँ रखना है? सी के ऊपर। कहाँ रखेंगे आप इसको, ऑब्जेक्ट को? एट सी। ऑब्जेक्ट एट सी एंड इमेज इज ऑल्सो एट सी, इक्वल साइज। साइज क्या बनेगी? इक्वल साइज की। तो ये आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे ऑब्जेक्ट को आपको सी के ऊपर रखना है। ये पोजीशन सी ले लो, है ना? तो पोजीशन सी के ऊपर ही आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। ये ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज भी कहां बनेगी? सी के ऊपर ही बनेगी, और सी के ऊपर ही बनने के बाद ये इक्वल साइज की भी बनेगी। तो इमेज को आप पहले से बना सकते हैं, यहाँ पे कट होनी चाहिए लगभग इक्वल इमेज की, ये इमेज बना लो, इक्वल साइज होनी चाहिए दोनों की लगभग लगभग, है ना? फिर रेस इसके अंदर कौन सी यूज होगी? पहली रेस होगी पैरेलल, पैरेलल टू एफ, ये फर्स्ट लाइट रेस जो इसमें यूज होगी वो है। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से मूव करेगी? आपके एफ से। सेकंड है, अगर वो एफ से मूव करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पे ये दोनों रेस कट करेगी वहां पे आपकी इमेज बनेगी और वो इक्वल साइज की होनी चाहिए, है ना? तो दोनों इक्वल होगी। कहने का मतलब इसके अंदर जो यूज हुई है वो दो, फर्स्ट एंड सेकंड,
लाइट रेज जिसके अंदर यूज की गई है वो आपके फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू ए फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। सेकंड रूल जो है कि अगर लाइट रेज फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब ये दोनों लाइट रेज जहां पे स्ट्राइक करेगी वो पॉइंट आपका सी के जस्ट नीचे ही होना चाहिए और ये साइज और ये साइज इक्वल आनी चाहिए और अप्रोक्सीमेट ये साइज और ये साइज भी इक्वल आनी चाहिए। इतना चीज आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पी टू एफ भी साइज, ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को गलत और सही केवल एक्सटर्नल व्यू से बताया जा सकता है। कैसे, ये डिस्टेंस आपकी इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है ये देख लो। सी टू सी, इमेज सी और सी के नीचे दोनों लाइनें कट रही है या नहीं कट रही है, ये ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ये चीजें आपके नहीं है, ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज इतनी बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट इतना सा है इमेज छोटी बन रही है, गलत है ना। ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं आ रही है तब भी गलत है, आपकी रेस टेढ़ी जा रही है तब भी आपकी रे डायग्राम गलत है ना। तो इन रे डायग्राम्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बिना ये रे डायग्राम्स नहीं आएंगे आपके। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है, बाकी के फिगर्स अपन कल करेंगे।